बोला जब भी सांप और नाक के बीच में आया है तो फन कुचला ही है। हाँ, हाँ। तो किसका फन कुचल रही है? नाक भी सटेगा तो फन कुचलाएगा और सांप भी सटेगा तो फन कुचलाएगा। वोट कहाँ से लाइएगा? टिकट आप दे सकते हैं लेकिन जीत नवादा लोकसभा की जनता तय कर सकती है। जब वोट ही नहीं मिलेगा तो फिर आप जीत कहाँ से जाइए? जो भी आज तक आए हैं सब डसवे किए हैं। कौन डसा है? जो भी नेता आए हैं। आगे 15 ठाकुर को टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो नागनाथ के साथ है। कौन नागनाथ है? आदमी बाद में बढ़ जाइएगा, आप जब चुनाव का बेला आएगा तो आप कहिएगा कि विवेक ठाकुर। अभी तो हम लोग गुंजन बाबू के जिताएंगे, हर कीमत पर जिताना है उनको। देंगे वोट देंगे या जिताएंगे? नहीं जिताएंगे, अभी वोट भी देंगे और जिलाएंगे भी। हाँ जी, 2 लाख वोट से गुंजन सिंह जीतेंगे। इतना गर्व जी? हाँ। कैसे कह रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस का है? इनके साथ दलित महादलित हर समाज के आदमी है, फॉरवर्ड बैकवर्ड सब है। नवादा में है चुनावी सरगर्मियां तेज है, इस गर्मी के गर्मी वाले मौसम में चुनाव की गर्मी इतनी है कि लोगों को गर्मी नहीं लग रही है। 38-40 डिग्री टेम्परेचर में जब लोग धूप में गांव घर में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो तमाम लोग बोल रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। लेकिन नवादा की जो सीट है वो सबसे हॉट सीट बन गई है। गुंजन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से विवेक ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के सैंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी स्वयं आकर उनका चुनाव प्रचार कर चुके हैं, रैली कर चुके हैं, लेकिन गुंजन सिंह का एक ही कहना है कि घर का बेटा ही घर का सांसद बनेगा, घर का बेटा ही घर का नेता बनेगा। तमाम लोग हैं यहां पर, हम जानेंगे कि नवादा में यथा स्थिति क्या है और यहां पर कौन जीतने वाला है और किसकी सरकार बनने वाली है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता और एक तरफ गुंजन सिंह बेटा और घर का बेटा बोलकर वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये बताइए कौन सा जगह पर हम लोग खड़े हैं इस वक्त? अभी हम लोग पाछापुर गांव में हैं। नवादा जिला है? नवादा जिला है। नवादा ये बताइए किसके लिए जाना जाता है? शेखपुरा जिला है। अच्छा शेखपुरा जिला है, नवादा लोकसभा है। नवादा लोकसभा। नवादा में गुंजन सिंह की जो है वो चर्चा जोर शोर से हो रही है। होगी। हाँ, क्यों होगी? शुरू से मांग था कि घर से हो, घर से हो, घर से हो। हाँ। तो घर में हम लोग के लिए गुंजन सिंह के अलावा कोई अच्छा दिखे नहीं। हाँ। जो भी आज तक आए हैं सब डसवे किए हैं। कौन डसा है? जो भी नेता आए हैं। हाँ। आगे 15 ठाकुर को टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो नागनाथ के साथ है। कौन नागनाथ है? है कोई नागनाथ समझने वाला व्यक्ति जो है? हाँ। बरबीघा का जनता हो। हाँ। या नवादा के, नवादा लोकसभा के जनता हो। हाँ। सब समझते हैं। हाँ। कि नागनाथ। हाँ। और सांपनाथ कौन है? हाँ। उसी के साथ वो लोग हैं। तो, और हम लोग निर्दलीय हैं। हाँ। क्योंकि हम लोग का साथ है नेवला। हाँ। नेवला कौन है? नेवला हमारा गुंजन सिंह है। हाँ। और जो उठे तो नेवला भारी पड़ेगा आपकी बार, नागनाथ और सांपनाथ पर एकदम। नेवला जब भी सांप और नाक के बीच में आया है तो फन कुचला ही है। किसका फन कुचल रही है? नाक भी सटेगा तो फन कुचलाएगा और सांप भी सटेगा तो फन कुचलाएगा। तो गुंजन सिंह को खुल्लम खुल्ला समर्थन करें? एकदम खुल्लम खुल्ला। तो बीजेपी टिकट क्यों नहीं दी? वो तो बीजेपी के दरवाजे पर भी गए थे। देखिए बीजेपी टिकट नहीं दी, देखिए ये तो ऊपर से देखते हुए आई है आप लोग। हाँ। नेता का बेटा इतना संघर्ष करके चुनाव लड़ता है? हाँ। नहीं लड़ता है, नहीं। उसको बाईपास धरा दिया जाता है। हाँ। बेटा तुम बाईपास धर लो, ऊपर के सीढ़ी पर जाके आराम से एसी का हवा खाओ। हाँ। तो हम किसान का बेटा, हमारे जो मीडियम समाज घर का लोग का सबका इच्छा रहता है कि मेरा भी बेटा कुछ ऐसा करता, मेरा भी बच्ची कुछ ऐसा करती, हमारा भी नाम होता, पद होता, प्रतिष्ठा होता, ऐसो आराम की जिंदगी। हम लोग ऐसो आराम की जिंदगी को देखिए हराम कर दिए हैं। हाँ। इसलिए हराम कर दिए हैं कि इस बार अब की बार नवादा लोकसभा में। हाँ। नवादा का बेटा ही चुना जाएगा। हाँ। घर का नेता और पिछली बार बेटा। हाँ? घर का नेता और घर का बेटा होगा। तो पिछली बार सब क्या होता था? पिछली बार तो सब बस जो ऊपर से पैराशूट से उतरते थे। हाँ। हेलीकॉप्टर पर बैठे। हाँ। तो इस बार भी तो हेलीकॉप्टर आ रहा है, जहाँ हेलीकॉप्टर आ रहा है तो हम लोग उसको पैराशूट इस बार धरा रहे नीचे से कि हेलीकॉप्टर से अगर आ रहे हो तो पैराशूट से उड़ जाओ। अगर हेलीकॉप्टर से आ रहे हो तो पैराशूट से उड़ जाओ, पैराशूट से उतरोगे। हाँ। तो हेलीकॉप्टर से उड़ जाओ। जो है गुंजन सिंह जो है यहाँ से जीत रहे नहीं जीत रहे हैं? गुंजन सिंह नवादा लोकसभा से इस बार बहुमत वोटों से जीतेंगे। हाँ। इसलिए जीतेंगे कि इतना गर्व यार, तुम लोग को इतना कॉन्फिडेंस का है, ना कोई पार्टी का हाथ है, ना कोई पार्टी का झंडा है, ना किसी बड़े नेता का हाथ है, ना दल है, ना बल है, फिर कैसे जीत जाएंगे? नवादा लोकसभा में इस बार समझ जाइए गर्मी बना हुआ है कि गुंजन सिंह इस बार बहुमत वोटों से जीतेंगे, इसलिए बहुमत वोट
वोटों से जीतेंगे। गुंजन सिंह के पास कोई प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक नहीं है, उनका स्टार प्रचारक नवादा लोकसभा की तमाम जनता है, उनका टिकट नवादा लोकसभा की तमाम जनता है, उनका समर्थन नवादा लोकसभा की तमाम जनता। एक तरफ मोदी जी, एक तरफ अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, मनोज तिवारी, तमाम लोग जो है आएंगे यहाँ चुनावी सभा करेंगे। विवेक ठाकुर जो है भारी मत लेकर आएंगे, फिर गुंजन सिंह का कैसे नाम? वोट कहाँ से लाइएगा आप? टिकट आप दे सकते हैं लेकिन जीत नवादा लोकसभा की जनता तय कर सकती है। जब वोट ही नहीं मिलेगा तो फिर आप जीत कहाँ से जाइए? पहले भी तो एनडीए की सरकार थी, तो इस बार निर्दलीय क्यों चुनेगी लोग? इस बार नवादा लोकसभा का घर का बेटा, घर का नेता का मांग है। क्या चाहिए? बदलाव चाहिए, बदलाव। क्या लगता है, बदलाव और परिवर्तन की बेला शुरू हो गई? एकदम डंका बज गया है बदलाव का। लहर जो देख रहे हैं ना, धूप नहीं लग रहा है अभी। क्या लगता है कि अपने अपने घर के फूल को लोग खिलाएंगे? एकदम, हमारा ये कली ऊपर जाके कमल बन जाएगा। जो है गुंजन सिंह कली बन है, अभी कमल बन जाएंगे, कमल बन जाएंगे। क्या लगता है चाचा, कौन मार रहा है नवादा में बाजी? 2 लाख वोट से गुंजन सिंह जीतेंगे। इतना गर्व जी? कैसे कह रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस का है? इनके साथ दलित, महादलित, हर समाज के आदमी है, फॉरवर्ड बैकवर्ड सब है। टिकट तो मिला नहीं है? टिकट नहीं मिला, ये किसान के लड़का है, क्योंकि विवेक ठाकुर सीपी ठाकुर के लड़का थे। ठीक है, बाहरी वर्सेस घर का बेटा लड़ा जा रहा है। सभी आदमी को नफरत हो रखा है पूरे लोकसभा नवादा में। रवि जी इतना जान लीजिए कि इस बार नवादा लोकसभा की जनता ठान लिया है कि इस बार अगर कोई नवादा लोकसभा का सांसद बनेगा तो घर का बेटा। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, आप जानते हैं, उसके बाद भी गुंजन सिंह के लिए खुलेआम समर्थन क्यों? जिस समय हम गुंजन सिंह के साथ थे उन्होंने मदद किया था, आज गुंजन सिंह नवादा लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आज मैं उनके साथ खुलेआम मैदान में आऊंगा और मदद करूंगा। विवेक ठाकुर, गुंजन सिंह विवेक ठाकुर या गुंजन सिंह? गुंजन सिंह। विवेक ठाकुर या गुंजन सिंह? गुंजन सिंह। विवेक ठाकुर या गुंजन? गुंजन सिंह। विवेक ठाकुर या गुंजन? गुंजन सिंह। क्यों गुंजन सिंह क्यों? गुंजन सिंह हमारा जिला के बेटा है इसलिए उनको वोट दिया जा रहा है। विवेक ठाकुर भी तो भारतीय जनता पार्टी टिकट लेकर? वो तो भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जितने भी हो भारतीय जनता पार्टी का आदमी। बाद में बढ़ जाइएगा आप, जब चुनाव का बेला आएगा तो आप कहिएगा हम विवेक ठाकुर। अभी तो हम लोग गुंजन बाबू के जिताएंगे, हर कीमत पर जिताना है उनको। वोट देंगे या जिताएंगे? नहीं जिताएंगे, अभी वोट भी देंगे और जिलाएंगे भी। क्या बोल रहे हैं? बारी आते हैं। ये नवादा का वोट का मुद्दा नहीं है, ये नवादा का प्रतिष्ठा का बात है। अब नवादा के जनता अपना प्रतिष्ठा बचाए कि हमारे आंगन का बेटा इस रणभूमि में कूद पड़ा है तो हमारे जैसे माता बहन सब मिलकर साथ दे। आप लोग साथ दे रहे? हम लोग पूरा घूम रहे हैं, पूरा पूरा। ना तो अभी हम लोग को भूख लग रहा है ना प्यास लग रहा है, लग रहा है कि गुंजन मैं कर दे इसको, पूरा गुंजन मैं, पूरा गुंजन। अच्छा, लोग जात पात में नहीं बटेगा? कुछ नहीं, जात पात पर वोट नहीं पड़ता है। हमारा का बिहार का राजनीति तो जाते पात पर होता है। तुम यादव जी, हम भूमिहार, तुम ब्राह्मण, तुम सो। इस बार यंग जनरेशन पर होगा, यंग जनरेशन। हमारे गुंजन सिंह यंग नेता है और यंग आवाज उठाएगा। क्या बोल रहे हैं? इस बार नवादा का बेटा पर चुनाव होगा, जात पात। दीजिएगा वोट? देंगे नेता। किसको देंगे? गुंजन ठाकुर को। गुंजन सिंह। गुंजन सिंह को क्यों देंगे? बाहरी को भगाना है, नवादा को। उधर एक तरफ बड़े बड़े मंच पर हो रहा है कि नाचे गाने वाला जो है सांसद बनेगा जी। नाचे गाने वाला थोड़े, नाचने गाने वाला तो सब है। नवादा का, नवादा के जमीन पर विकास के लिए हमको नवादा का ही बेटा चाहिए। प्रत्याशी तो एकदम 15 बरस से लूट रहे हैं, जब से हम वोट दे नवादा का विकास नहीं हुआ है। विकास के लिए फंड आता है, कौन चूहा के बिल में घुस जाता है पता नहीं चलता है कि क्या होता है। चुनाव के समय ही ये बातें क्यों याद आ रही आप लोगों को? क्यों आ रही? तो चुनाव वक्त देता है किस लिए? कि हम अपनी आवाज को बुलंद करें कि आइए ना टिकट लेकर। एक सुर में क्या बोल रहे हैं नवादा के लोग? बस हम गुंजन सिंह। क्या लग रहा है चाचा, विवेक ठाकुर, गुंजन सिंह? गुंजन सिंह। विवेक ठाकुर, गुंजन सिंह? गुंजन सिंह। किसको वोट दीजिएगा आप लोग? गुंजन सिंह। नवादा में जो है किसको वोट दे रहे हैं आप लोग? गुंजन सिंह। किसको वोट दे रहे हैं? गुंजन। किसको वोट दे रहे हैं? गुंजन सिंह। किसको इस बार जिता रहे नवादा से? गुंजन सिंह। विवेक ठाकुर का क्या होगा? उसको नहीं, हम सबको मांग है कि बाहर का नेता नहीं चाहिए, घर का बेटा चाहिए। इसी मुद्दे पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं क्या? किस मुद्दे पर चुनाव? गुंजन सिंह। गुंजन सिंह मुद्दा है? मुद्दा मतलब मुद्दा यही है कि गुंजन सिंह घर का बेटा है, विकास करेंगे गुंजन सिंह। जीतने के बाद विकास करेंगे। जब 14 में मोदी जी जब सरकार बना रहे थे तब हेलीकॉप्टर से लैंड किए थे नवादा के ITI में। अभी समझ जाइए, इसके पहले जब 19 में चुनाव हुआ यहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी जीता, कोई हेलीकॉप्टर, कोई
कोई चीज का नहीं देखे थे। आज तक कभी सुने थे कि नॉमिनेशन में जो भाजपा प्रत्याशी के बड़े बड़े दिग्गज नेता मंत्री नॉमिनेशन में जाएंगे, बिहार के उप मुख्यमंत्री चिराग पासवान, जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता थे सब लोग यहाँ पे पहुंचे। जितने लोग नवादा उनके नॉमिनेशन में, गुंजन सिंह के साथ कौन था? नवादा लोकसभा का जनता। आज मोदी जी का कार्यक्रम था, क्यों था? अरे एक गुंजन सब पर भारी पड़ गया है और सबका गर्मी का पसीना चुआ दिया है, और जो गर्मी आप ऊपर देख रहे ना उसे 30 गुना ज्यादा जमीन पे बढ़ गया। इस बार नवादा में आएगा तो गुंजन, जाएगा तो ठाकुर, आएगा तो गुंजन, जाएगा तो ठाकुर, ऐसा स्लोगन दे दिया गया है। नवादा का बेटा, नवादा का नेता, यही बात ही है। नवादा का बेटा, नवादा का नेता। नेता तो सब नेता के घर से नेते पैदा हो जाता है, तो हम लोग का घर का बेटा कब नेता बनेगा? चलिए मित्रों, हम लोग अन्य अन्य लोकसभा सीटों पर जाकर चुनावी माहौल जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर चुनाव की सरगर्मियों के बीच में किसकी गर्मी तेज है और कौन आएगा कौन जाएगा। नवादा में है, यकीन मानिए नवादा में इस वक्त गुंजन सिंह का माहौल है, क्योंकि गुंजन सिंह विगत कई महीनों से चुनाव की तैयारी कर रहे थे और बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय टाट ठोक कर चुनावी मैदान में कूद कर ये बता दिए हैं कि नवादा का बेटा नवादा का नेता तो बनेगा, साथ में नवादा का सांसद भी बनेगा। आपको ये प्रयास कैसा लगा अपना राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।